अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। अब दिल्ली की कमान आतिशी के हाथों में होगी। अरविंद केजरीवाल फरवरी 2015 से लगातार मुख्यमंत्री थे। 15 सितंबर को अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था। उन्होंने कहा था कि जब तक जनता नहीं चुनती तब तक वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। उनके इस्तीफे के ऐलान के बाद मंगलवार को विधायक दल की बैठक में आतिशी को मुख्यमंत्री चुना गया। आतिशी विधानसभा चुनावों तक मुख्यमंत्री रहेंगी। दिल्ली में अगले साल फरवरी में विधानसभा चुनाव होंगे। मौजूदा विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। बता दें कि पिछले दिनों केजरीवाल करीब 6 महीने बाद तिहाड़ जेल से बाहर आए थे और जेल से बाहर आने के बाद उन्होंने अपना इस्तीफा देने का ऐलान कर दिया था। सवाल है कि सीएम की कुर्सी छोड़ते ही केजरीवाल के लिए क्या क्या बदल गया है, आइए जानते हैं। अरविंद केजरीवाल अब महज विधायक रह गए हैं। मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद केजरीवाल को मिलने वाली सैलरी और भत्ते भी कम हो जाएंगे। इसके साथ ही उनकी कुछ सुविधाओं में कटौती हो जाएगी। दिल्ली में पिछले साल ही विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री की सैलरी भत्ते में बढ़ोतरी की गई है। विधायकों, मंत्रियों और मुख्यमंत्री की सैलरी और भत्तों में 12 साल बाद बढ़ोतरी हुई है। विधायकों की सैलरी 66% बढ़ी है। मंत्रियों और मुख्यमंत्री की सैलरी 136% तक बढ़ी है। विधायकों की महीने भर की बेसिक सैलरी 30,000 रुपए है। पहले विधायकों की बेसिक सैलरी 12,000 थी। मंत्रियों और मुख्यमंत्री की बेसिक सैलरी अब 60,000 रुपए है। पहले सीएम की बेसिक सैलरी 30,000 रुपए थी। मंत्रियों, मुख्यमंत्री को हर महीने सैलरी और भत्ते मिलाकर 72,000 रुपए के बजाय 1,70,000 रुपए मिलते हैं। विधायकों को हर महीने 25,000 रुपए का निर्वाचन भत्ता, 15,000 का सचिवालय भत्ता, 10,000 का यात्रा भत्ता, टेलीफोन भत्ता 10,000 रुपए मिलता है। इस तरह विधायकों को हर महीने 90,000 रुपए मिलते हैं। यानी कि केजरीवाल को अब 1,70,000 रुपए की जगह हर महीने 90,000 रुपए ही मिलेंगे। उन्हें डेली अलाउंस भी नहीं मिलेगा। सीधे सीधे मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद उनको हर महीने वाली सैलरी और भत्ते लगभग आधे हो जाएंगे। दिल्ली सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री को हर महीने चौपर और सरकारी गाड़ी की सुविधा भी मिलती है। सरकारी गाड़ी में हर महीने 700 लीटर पेट्रोल फ्री रहता है। अगर मुख्यमंत्री अपनी निजी गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें हर महीने 10,000 रुपए का भत्ता मिलता है, जबकि विधायकों को ऐसी सुविधा नहीं मिलती। हालांकि उन्हें हर महीने 10,000 रुपए का भत्ता मिलता है। इसके अलावा मुख्यमंत्री अपने कार्यकाल में किसी भी वक्त 12,00,000 रुपए तक का लोन ले सकते हैं। ये लोन उन्हें गाड़ी खरीदने के लिए मिलता है, जबकि विधायकों को 8,00,000 रुपए तक का लोन ही मिलता है। मुख्यमंत्री को हर महीने 5,000 यूनिट तक की बिजली फ्री मिलती है, जबकि विधायक हर महीने 4,000 रुपए तक का बिजली और पानी फ्री में इस्तेमाल कर सकते हैं। केजरीवाल भले ही अब मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, लेकिन एक विधायक के तौर पर उनकी ये सुविधाएं अब भी जारी रहेंगी। उन्हें अब भी हर महीने 30,000 रुपए डेटा एंट्री ऑपरेटर की सैलरी के लिए मिलेंगे। मुख्यमंत्री और विधायक अपने दफ्तर में डेटा एंट्री ऑपरेटर रखते हैं, जिसकी सैलरी सरकारी खर्च से ही आती है।